नमस्कार, मैं आप सभी को आज प्रणाम करता हूं और मैं SGR फाउंडेशन को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। ये इन्होंने जो प्रकल्प बनाया है, हम कई दिनों से देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सुनने को मिल रही है, अच्छे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है और जो नॉलेज गेन कर रहे हैं सब लोग, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो दौर है, बड़ा संकट का दौर चल रहा है हम सबके लिए। आज का दिन एक बहुत पावन दिन है हम सब लोगों के, और इस अवसर पर मुझे सेवा करने का मौका दिया है। मैं जो आज प्रस्तुति देने वाला हूं, ये नारदीय कीर्तन शैली में है। ये हमारे महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है, नारदीय कीर्तन बहुत लोकप्रिय है। मैंने प्रयास किया है कि मैं इसको हिंदी में भी करूं और मध्य प्रदेश और उत्तर हिंदुस्तान में मैं इसको हिंदी में करने का प्रयत्न करता हूं। वैसे पेशे से मैं इंजीनियर हूं और उज्जैन में महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें मैं डायरेक्टर के पद पे हूं। वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूं और हारमोनियम में बी हाई ग्रेड हूं आकाशवाणी से, और देशभर के सभी गायक गायिकाओं के साथ शास्त्रीय संगीत में मैं हारमोनियम की संगति करता हूं और हिंदी मराठी कीर्तन भी करता हूं। तो इस नारदीय कीर्तन शैली में आज ये प्रस्तुति होगी। इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण के बाद निरूपण होता है, कथा का भाग होता है, और इसके साथ साथ ही मैंने जैसे कि कहा है कि मंगल वाद्य, वैसे तो वो वेस्टर्न का वाद्य है मेलोडी का, लेकिन कुछ श्रुतियों का परिवर्तन करके उसको मैंने मंगल वाद्य बनाया है और ये मंगल ध्वनि भी हम आज देखेंगे। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबकी आज्ञा लेता हूं और प्रारंभ करता हूं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुवे नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सजति सिन्दुर्वदनो देवो यत्पार्थ पंकज स्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशिनाशति विघ्नानां। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राभुका, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवी सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाहि साक्षिभूतं भावातीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे
रहे जिया का। जय जय रघुवीर समर्थ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराजाय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन। रे भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि पम दम धनी द पम रे रे ग रे रे ग दम मध धनी मणि पम रे रे ग म ग रे ग सा। भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पम दम धनी सा नि धनी पम रे ग दम मध धनी मधनि सा नि रे सा नि धनी द पम रे रे ग ग म ग रे ग सा। भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अक्षय तृतीया आई है अक्षय तृतीया आई है और शुभ संदेश लाई है। अक्षय तृतीया आई है शुभ संदेश लाई है। अक्षय तृतीया आखा तृतीया आई है। ओ भजमन नारायण नारायण हरे 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 हरे। पंडरीनाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। अक्षय तृतीया पहले देखे हम कि ये दो शब्द क्या है। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता है वो अक्षय, जो नाशवान नहीं है वो अक्षय, जो चिरंजीवी है वो अक्षय, चिरकाल तक रहने वाला उसको हम कहते हैं अक्षय। तो सबसे पहले आता है अक्षय, इसका मतलब हमने वेदों पुराणों में सुना है, सात चिरंजीवी की कल्पना की हमने, भगवान हनुमान अश्वस्थामा विभीषण वेदव्यास भगवान परशुराम जिनकी आज जयंती है। तो ये सब चिरंजीवी कहलाते हैं। चिरंजीवी मतलब ये सर्वकालिक है, हर युग में आते हैं, हर युग में विद्यमान है, ऐसे चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य वे भी चिरंजीवी है, ये ऐसे सब तो चिरंजीवी है। तो अक्षय का मतलब जिसका अक्षय न हो, सदा रहे। दूसरा तृतीया ये तिथि हो गई, तृतीया या जिसको हम बोलते हैं तीज मतलब तीन। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन इसको हम कहते हैं तृतीया, और ये अक्षय के साथ मिलके बनती है अक्षय तृतीया। और ये जो मुहूर्त है
हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो 3.5 मुहूर्त की बात की है, और ये जो मुहूर्त है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, इसमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, स्वयंभू मुहूर्त है। हम जानते हैं कि विजयादशमी का दिन, गुड़ी पड़वा हमारे हिंदू वर्ष का प्रथम दिन, कार्तिक मास के प्रारंभ का दिन और अक्षय तृतीया, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और इस मुहूर्त पे कुछ भी मंगल कार्य हम जो करना चाहते हैं, शादी हो, और भी कोई मंगल कार्य हो, ग्रह प्रवेश हो, कुछ विक्रय करना है, कोई बड़ी चीज खरीदना है हमारे घर के लिए, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, तो उसके लिए ये शुभ मुहूर्त है। आज जो हम प्रण लेंगे वो चिरकाल तक रहेगा, हमेशा बना रहेगा। अगर कोई झगड़े हैं तो आज अगर सुलझाएंगे तो फिर बाद में कभी झगड़ा नहीं होगा। ऐसे कई महत्व जुड़े हुए हैं अक्षय तृतीया के साथ, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है इस मुहूर्त का। हमने देखा कल से अक्षय तृतीया की तिथि, आपने देखा कि जहां जहां पे वायरस का संक्रमण बहुत कम है या नहीं है, वहां कुछ दुकानें चालू कर दी है, तो ये इसी मुहूर्त पर चालू हुई है। तो ऐसी यह तिथि है अक्षय तृतीया, इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस तिथि के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली चीज, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की स्थापना की थी, इस सृष्टि को बनाना प्रारंभ किया था, वो दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया। ब्रह्मा निर्मिति के कारण है, हम जानते हैं इसे, गॉड ऑफ जनरेशन। अब देखिए गॉड की परिभाषा मैं कैसे दे रहा हूं, जी फॉर जनरेशन, भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, भगवान विष्णु, और डी फॉर डिस्ट्रक्शन, दुष्टों का नाश करने के लिए, भगवान शंकर। तो गॉड में ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। तो अक्षय तृतीया पर इस सृष्टि के निर्माण प्रारंभ किया था ब्रह्मा जी ने, इसी तिथि पे ब्रह्मा जी के यहां पुत्र हुआ था अक्षय कुमार। यह भी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। आए चलते हैं कि और कौन कौन से इस दिन पे और कौन कौन सी विशेष घटनाएं घटी हैं। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू काल गणना में 4 युग है। सबसे पहला युग सतयुग या कृत युग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, और चौथा कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ है। ये दूसरा महत्व आ गया अक्षय तृतीया। तो देखिए इस अक्षय तृतीया में क्या क्या नहीं हो रहा है। हम 4 युगों की बात करते हैं। एक कई बार मैं विनोद स्वरूप मेरे कीर्तन में कहता हूं कि सबसे पहला सतयुग ये 4 पहियों की गाड़ी है। देखिए कैसे पहिए कम हो रहे हैं। सतयुग 4 पहियों की गाड़ी है, इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे। उसके बाद आया त्रेता युग, ये 3 पहिये की गाड़ी है। दोस्तों जितना गाड़ियों में पहिए कम होते जाएंगे आपको मालूम है कि बैलेंस कम होता है। फिर आया द्वापर युग, ये 2 पहियों की गाड़ी है। और कलयुग में 1 पहिए की गाड़ी है, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तीसरा महत्व अक्षय तृतीया का, इसी दिन गंगा मैया का अवतरण, गंगा नदी भगीरथ प्रयत्नों से यह गंगा नदी जो है वो पृथ्वी पर आई थी। पृथ्वी पर लाया गया था भगीरथ प्रयत्नों से, और चूंकि उसका वेग बहुत ज्यादा था तो भगवान शंकर की जटाओं ने उन्हें संभाला है। तो यह महत्व भी है इस तिथि का, अक्षय तृतीया का, कि गंगा का अवतरण हुआ था जटाओं से। क्या दृश्य है आज, गंगा आई है, और इसलिए गंगा स्नान का महत्व होता है अक्षय तृतीया पर। अनेक कहानियों में गंगा स्नान का महत्व बताया गया है अक्षय तृतीया पर। सिर पे धरी गंगा, सिर पे धरी गंगा, सिर पे धरी गंगा, सिर पे धरी गंगा। ये राग शंकर है, गा पे गा, गा पन्नी पर, गा पन्नी दर सानी पर, गा पन्नी पर, गा पे गा, सिर पे धरी गंगा, सिर पे धरी गंगा, कमर मृग छाल, सिर पे धरी गंगा, सागा पानी पर, पानी सानी पर, पसानी पर, गापनी पर, गापने सर, सिर पे धरी गंगा, कमर मृग छाल, सिर पे धरी गंगा, कमर मृग छाल। सिर पे धरी गंगा, सिर पे, सिर पे धरी कमर मृग छाल, सिर पे धरी गंगा। तो इस तरह से गंगा का अवतरण हुआ है इस दिन, यह अक्षय तृतीया का महत्व है। और उसके बाद एक और चीज देखिए, कितनी चीजें निकल रही है। कुबेर को देवलोक में संपत्ति का विभाग सौंपा गया, वो इसी दिन सौंपा गया। धन कुबेर हम बात करते हैं, धन का स्वामी कुबेर की नियुक्ति हुई, हम कह सकते हैं एक भाषा में कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर देवलोक में भगवान शंकर ने उन्हें धन का स्वामी बताया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अक्षय तृतीया। इस अक्षय तृतीया की एक और कहानी है, मां पार्वती ने अन्नपूर्णा स्वरूप लिया था, अन्नपूर्णा स्वरूप। आज देखते हैं घर घर, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं तो सब घर पे ही बनाना पड़ता है, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, घर पे ही रोज प्रिपरेशन होता है। तो घर पे भी हमारे यहां जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब अन्नपूर्णा स्वरूप है आज, तो वैसे ही अन्नपूर्णा स्वरूप भी लिया है पार्वती जी ने, मां अन्नपूर्णा स्वरूप। तो ये भी लिया है इसी अक्षय तृतीया पर। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, इनका 500 दिनों का तप
खत्म होने के बाद हम मराठी में पारण बोलते हैं, पारण करायचं। तो आहार, उन्हें आहार चाहिए था तप पूर्ण होने के बाद, इतना बड़ा तप। अब उसके बाद आहार के लिए कौन देगा उनको आहार? सब उनके पीछे पीछे चलते, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इन्हें आहार क्या दिया जाए। तो हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस, इन्होंने भगवान आदिनाथ को, ऋषभदेव को आहार दिया। उनका हार उन्हें समझा कि आहार कौन सा हो सकता है, और वो आहार क्या था? वो गन्ने का रस। और ये गन्ने का रस उनको दिया गया, और वो तिथि भी अक्षय तृतीया। तो आप देखते हैं कि हमारा जो अप्रैल का महीना आता है, जगह जगह गन्ने का रस दिया जाता है, गन्ने का रस बिकता है। और आज के दिन बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है कि गन्ने के रस का वितरण कीजिए, लोगों को गन्ने का रस दीजिए, कुछ ठंडा दीजिए, कुछ जल दीजिए, मटके का जल दीजिए, जलदान कीजिए। इस दान का बहुत महत्व है। एक और बहुत बड़ा महत्व मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पांडव और द्रौपदी ये अज्ञातवास में गए, और अज्ञातवास में पांडव और द्रौपदी जो थी, इनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया, और ऐसा अक्षय पात्र जिससे कभी भी उनके अज्ञातवास में धन धान्य की उन्हें कोई कमी नहीं हुई। तो ये भी दिया गया अक्षय तृतीया के दिन। पार्वती पते हर हर महादेव। आज अक्षय तृतीया पे परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, और वो इसलिए भगवान परशुराम हमारे भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? छठे अवतार। अब देखिएगा, इन छठे अवतारों के पहले मैं बताऊंगा कि भगवान विष्णु का पहला अवतार यानी मच्छ, मच्छ यानी संपूर्ण जलचर, जिसमें उसने सृष्टि की, सृष्टि को बचाया था, सृष्टि की रक्षा की थी। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कच्छ, समुद्र मंथन की कथा आपको सबको मालूम है। कच्छ के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था समुद्र मंथन के लिए। तीसरा अवतार, अब देखिएगा, कच्छ मतलब आधा जलचर और आधा थल पर। ये किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है देखिएगा। अगला अवतार वराह, संपूर्ण थल का एक पशु, इसने राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया था। इसके बाद चौथा अवतार नरसिंह, ये सभी अवतार सतयुग में हुए थे। नरसिंह मतलब आधा मनुष्य और आधा पशु। तो नरसिंह अवतार में आपको कथा मालूम है, प्रहलाद की कथा मालूम है, जहां हिरण्यकश्यप का वध किया था भगवान ने अवतार लेके। उसके बाद पांचवा अवतार वामन अवतार, बटुक, एक छोटा बटुक। अब देखिए कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। राजा बलि की कथा आपको पता है, मैंने चिरंजीवी में जिक्र किया था, सात चिरंजीवी में राजा बलि भी है। तो राजा बलि को उन्होंने पाताल का राजा बनाया था, और स्वयं भगवान द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े। तो ये था पांचवा अवतार। छठा अवतार जिसका अवतरण आज के दिन हुआ था अक्षय तृतीया पे, और वो अवतार परशुराम, एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के गुण, जानकी ऋषि के सुपुत्र, क्रांतिवीर अर्जुन नाम के क्षत्रिय से उन्होंने बदला लिया था,
और 21 बार क्षत्रियों को और या पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था। एक और कंथा इनके साथ जुड़ी हुई है, परशुराम बहुत बहुत क्रोधी थे। अब देखिए कैसे परशुराम क्रोधी थे, लेकिन इसके बाद सातवां अवतार जो श्रीराम का, वीर गंभीर चंचल, वीर गंभीर, और आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण चंचल। तो देखिएगा कैसी है अवतारों की कथा है। तो इस अवतार में छठा अवतार आज के ही दिन जिसको हम बोलते हैं अक्षय तृतीया का दिन, और इस अक्षय तृतीया के दिन ही यह अवतार आया था, परशुराम जी का जन्म हुआ था। कितने महत्व हैं। और एक कथा जो सबसे अधिक कही जाती है जब भी कोई पूजन होता है, तब उस पूजन में हमेशा ये कथा कही जाती है। और एक गरीब भक्त धर्मदास नाम का एक वैश्य, उसकी कथा हमेशा कही जाती है अक्षय तृतीया पर, कि किस तरह से उन्होंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की। आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पूजन का दिन होता है, विधिवत पूजन किया जाता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का, और प्रसाद अर्पित किया जाता है, दान दिया जाता है, 15 प्रकार का दान बताया है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं, वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा, वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा, दीनानाथा पद्मनाभा लक्ष्मी वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा, वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा, दीनानाथा पद्मनाभा लक्ष्मी वल्लभा, वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा, सुख बसे चरण तेरे, सुख बसे चरणों में तेरे, मैं रहूं चरणों में तेरे लक्ष्मी वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा। ये वैसे मराठी में तुकाराम जी का अभंग है जिसको मैं गा रहा हूं, सुख वसे तू जा पाई, सुख वसे तू जा पाई, मज ठेगी ते चिठाई लक्ष्मी वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा, लक्ष्मी वल्लभा, माझी अल्प ही वासना, माझी अल्प ही वासना, तू तो उदाराचा राणा लक्ष्मी वल्लभा। ये भजन गाते गाते मेरे आंखों में आंसू आते हैं। हमारी आज की परिस्थिति, हमारी जो आज की जो परिस्थिति है, जिस तरह से सारा संसार, सारे संसार पे ये संकट आया हुआ है संक्रमण का, ऐसे संक्रमण का संकट जो है, इसके लिए हम आज, चूंकि आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पे हम प्रार्थना करते हैं हमारे इष्ट देव से, हमारे प्रभु से, भगवान विष्णु से, सभी देवताओं से। और आज प्रण लेते हैं, क्योंकि आज जो हम प्रण लेंगे वो अक्षय रहेगा। तो हमारा प्रण ये रहेगा कि हम ऐसा करेंगे, आज ऐसा प्रण ले, ये प्रार्थना करें कि प्रभु इस संकट से हम सब दूर हो जाए, इस संकट को तार दे, इस संकट पे विजय हमें मिले। हमारे देश में आज चूंकि अक्षय तृतीया है, हम अपने घरों में हैं,
तो हमें तीन चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले जप, भगवान की आराधना, दूसरा दान। वैसे तो दान किया जाता है, लेकिन यह आज दान होना चाहिए उन लोगों को। आज कितने ही लोग आप देखेंगे उनके पास भोजन नहीं है, राशन नहीं है, करोड़ों लोग अपने आज दो वक्त की रोटी के लिए तरस गए। तो आज का दान सही मायने में उन लोगों के लिए होना चाहिए। हमारे पशु पक्षी जो आते रहते हैं घरों के आसपास, उनको दान करना चाहिए, उनका पेट हमें भरना चाहिए। तो यह दान सफल होगा, यह प्रार्थना अक्षयी होगी। धन्यवाद देना चाहिए हमें। आज चूंकि पितरों का तर्पण करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं आज अक्षय तृतीया पर आज हमें धन्यवाद करना चाहिए, शुक्राना जिसको बोलते हैं, शुक्रिया करना चाहिए उन डॉक्टरों का, उन नर्सों का, उन पुलिस का, पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो सभी लड़ रहे हैं इसके लिए। हमें तो सिर्फ घर में बैठना है, हमें उतना ही कार्य करने को दिया है कि आप घर में बैठिए और लड़िए, इसको बढ़ने न दीजिए। और इससे हम लोग सब, पूरा हमारा संसार मुक्त हो जाए। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये प्रार्थना है मेरी। और आज के दिन हम मंगल कामना करते हैं। मैं मंगल कामना मेरे मंगल वाद्य के माध्यम से करना चाहता हूं। एक मंगल वाद्य मेरा मैं बजाऊंगा, ये मंगल कामना है। मेलोडिका नाम के वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को मैंने मंगल वाद्य नाम दिया है। इसमें भारतीय श्रुतियां जो है उसको ट्यून किया है, भारतीय श्रुतियों पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपयुक्त बनाया है। एक मंगल बना, मंगल धुन कहना चाहिए, मैं इसके ऊपर प्रस्तुत करूंगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अक्षय तृतीया पे लिया हुआ जो संकल्प है वो अक्षय रहेगा। और आज का हमारा संकल्प जो है विश्व में शांति लाएगा, समृद्धि लाएगा, यही मैं आशा करता हूं। आप सब लोगों ने मुझे सुना है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये मंगल वाद्य आपके सामने बजाता हूं। वैसे तो अभी तक जितने भी सेशन हुए उसमें प्रश्नोत्तर हुआ, लेकिन आपको अगर मेरे से कुछ प्रश्न पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8989258452 पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगल वाद्य। Thank you.
तरह से उस धनोदास ने तहे उम्र दान किया, हर अक्षय तृतीया पे दान किया और अगला जन्म उसका राजा कुशावती के रूप में हुआ द्वारका में, तो ये फलश्रुति मिली है उसको अक्षय तृतीया के दान की और पूजन की। बहुत बहुत धन्यवाद।